नमस्कार, गांव शहर चुनावी सफर हमारे खास चुनावी पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच और दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, आम मतदाताओं से उनका रुझान जानने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक हमारी ये कोशिश है कि हम मतदाताओं का मिजाज आप तक पहुंचाएं कि क्या कुछ मतदाता चाहते हैं, किस तरह के प्रत्याशी का वह चयन करने जा रहे हैं और जिस विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंच रहे हैं वहां के विधायक का क्या है रिपोर्ट कार्ड, 5 साल दिए जनता ने, कितना कामकाज हुआ और कितना अभी होना बाकी है, किस सहारे प्रत्याशी जो है वो पहुंच रहे हैं क्षेत्र में और जनता से फिर से कौन से वादे, कौन से दावे कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर के जानने की कोशिश होगी। मैं इस समय अलवर ग्रामीण के रास्ते हूं और वहां पहुंचकर मैं नटनी के बाड़ा में लोगों से जानूंगा और पूछूंगा कि किस तरह से वे इस क्षेत्र में अपने प्रत्याशी का चयन करने वाले हैं, क्या कुछ उनके मुद्दे हैं। तो सफर की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में आपके साथ। गांव शहर चुनावी सफर में हम आ पहुंचे हैं नटनी का बारा, सरिस्का का ये वो क्षेत्र है जो वन क्षेत्र कहा जाता है। प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बेहद खूबसूरत इलाका है जहां पर कि जो अलवर ग्रामीण का इलाका है और उसमें हम बात करने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ यहां के चुनावी मुद्दे हैं और क्या कुछ विधायक का रिपोर्ट कार्ड है, बात करने की शुरुआत भी आपसे होगी। सबसे पहली बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि अलवर ग्रामीण में रोजगार का मुद्दा है? हाँ, रोजगार का है। यहाँ की जो स्थानीय फैक्ट्रियों उनमें पहले से ही लगातार मुद्दा चल रहा है। हरियाणा की तरफ पे 70% लोकल युवाओं को आरक्षण देने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। राजस्थान के लोग छोड़ दिए जाएं तो बाहर के राज्य से लोग आकर के यहाँ नौकरियां, हरियाणा और यूपी के लोग आ रहे हैं, उनको नौकरियां दी जा रही है, स्थानीय युवाओं को नहीं दिया जा रहा है। ये एकता बना लेंगे, यूनियन बना लेंगे, जबकि 70% आरक्षण लोकल युवाओं को देने की पिछली इन्होंने वादा किया था, इनके मैनिफेस्टो में था। खुद राहुल गांधी जी यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए घोषणा करके गए थे मालाखेड़ा। लगी क्या? नहीं लगी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। के पाउडर की प्रोसेसिंग यूनिट लगी या प्याज कच्चा ही खाना पड़ रहा? अभी कच्चा ही खाना पड़ रहा है, अभी कोई नहीं लगी अभी तक। यहाँ विकास के नाम से कुछ नहीं हुआ, भूमाफ या पलें पूरा अलवर ग्रामीण में। पूरे 5 साल में हमारे मालाखेड़ा है नजदीक में, हमारे एक गुजर समाज का लड़का उसकी जमीन पे जो चांद पहाड़ी में उस पर जो कब्जे करने को उसने आत्महत्या भी कर लिया आग लगा के। इस तरह यहाँ भूमाफिया को बोलबाला है और क्षेत्र में आमजन का जो विकास होना चाहिए वो नहीं है। हवा में सब कुछ है, हवा तो यहाँ की बहुत खूबसूरत है, ताजी ताजी हवा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि विकास की बयार नहीं भाई, नदी तो काफी अच्छी बह रही है। नदी तो बह रही है लेकिन विकास के कोई काम नहीं हुए। आज आमजन की आवश्यकता है, नल, बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, इस तरह के मुद्दे आम आदमी के वो है और सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा। बहुत ही संगीन और बहुत ही ज्यादा गंभीर जो आरोप है वो इस तरफ से लगे हैं, यानी कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर आरोप लगाए कि कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार, जहां पर की मंत्री है यहां पर टीकाराम जूली जो विधायक हैं, कह रहे हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार भी बढ़ा, यहां पर अपराध भी बढ़ा, क्या वाकई में ऐसा है या कितना सच कितना झूठ? देखो, ऐसा है, कुछ तो झूठ भी है और कुछ बातें बीच में जो ये बता रहे थे कि भाई वो लड़की के साथ जो हुआ था उसमें एसपी ने बयान दिया था कि इसका रेप हुआ है, जबकि वो जांच रिपोर्ट आई थी जब उसमें एक्चुअल पता लगा कि ये लड़की का रेप नहीं हुआ, इसका एक्सीडेंट हुआ था। और हम खुद उनके माँ बाप के यहाँ रहे और हमने पूरी मॉनिटरिंग करी, मंत्री जी खुद गए थे हॉस्पिटल में मिलने के लिए उनसे, उनको जो हमसे मदद हो पाई, सरकार से जो मदद दिलाई, उनके रात दिन हम साथ रहे। और रही बात विकास की, विकास अलवर ग्रामीण के अंदर शायद ही ऐसा विकास पहली बार हुआ होगा। हमारे यहाँ 3-3, 4-4 GSS लगे जो बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, और रोड, हमारे यहाँ देवनारायण का मंदिर है पीछे, अभी देख रहे हो आप, 8 करोड़ रुपए की पुलिया सैंक्शन हुई है, पूरे वहां से एक ओवरब्रिज बनेगा और पूरा मंदिर के लिए विकास। तो फिर तो बिजली 24 घंटा मिलनी चाहिए, मिल रही है आपको? देखो, बिजली की बात है जी, बिजली तो कभी भी एक पीछा से जो संकट है वो तो एक अलग बात है, नहीं अभी इस समय की बात करें बिजली बहुत बढ़िया मिल रही है। दूसरा, आप विकास की बात करें तो मैं ज्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, 100 सड़कों का काम तो अब चल रहा है मौजूदा। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, गड्ढे तो काफी थे, सुनो मैं, रोड पे गड्ढे तो काफी थे। नहीं, रोड का काम चल रहा है, आप देखो कैसे बढ़िया रोड बन रहा है, ये अभी रोड अभी बन रहा है, पहले क्यों बात तो सुनो। ये तो सब टूटते रहेंगे और बनते रहेंगे, ये कोई बात ना है। बहुत सारी गारंटियां जो है गहलोत सरकार ने दे दी और लोग यही इस बात को गिना रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्या दिया, सवाल पूछ रही है। प्रधानमंत्री जी ने इनको किसान संबंध योजना हर 3 महीने बाद 2000 आती है, किसान सबसे फर्स्ट खाते में आती है सम्मान निधि। उसके बाद खाद्य सुरक्षा जो बोल रहे हैं, जो गेहूं चल रहे हैं वो प्रधानमंत्री के चल रहे हैं फिलहाल, और इन्होंने एक थैला बांट दिया 5 किलो का,
जो राशन उसमें हल्दी नमक मिर्ची उसमें आधी तो काली मिर्च डाल दिए और दाल है उसके अंदर घुन लगा हुआ है कुछ वो लगा हुआ है तो बोल दिया कि वो 5 किलो का नुकसान हो रहा है हर आदमी प्रत्येक आदमी को। तो इसकी क्या नुकसान हो रहा है कैसे नुकसान हो रहा है उसमें साहब बिल्कुल रिजेक्ट माल दे रहा है उसमें बच्चे भी खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। कौन बीमार हुआ काफी बच्चे हो गए साहब फेंकनी पड़ रही है वैसा में। हाँ देखिए आपके सामने जो लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं कह रहे हैं कि ये तो गलत आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत आरोप नहीं है मैं आपको लाके दिखा देता हूँ। कुछ जवाब देना चाहते हैं अपने उन साथियों को जो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री ने कुछ करा नहीं यहाँ पर। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको जिस जगह ये खड़े हुए हैं 1,000 करोड़ की तो पुड़िया यहाँ से लेकर नटनी का जो हमारा ये जो है इसको डेवलप करने के लिए एक पुड़िया का जो विकास कार्य के लिए इसका सर्वे करवाया और हम इसका पैसा दे रहे हैं यहाँ से पुलिया उठेगी और थानागाजी उतरेगी ये तो इनके आंखों के सामने जबकि ये रोड बंद होने की स्थिति पे था। दूसरी चीज जो भी भाई हम एक चीज पूछना चाहते हैं जैसे इन्होंने हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने की कोशिश करी मैं खुद सरपंच हूँ कितना पैसा मैं आपको रिकॉर्ड में दे सकता हूँ कि हमारे जो सरपंचों का जो पैसा है FFC और SFC का जो हमारा पैसा आता है उसे भी ये सरकार हमें 5 साल में नहीं दे पाई। बाकी ये जनता को क्या देगी वो तो आप बातों को छोड़े। कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने भी काम किया बीजेपी भी बहुत काम कर रही है एक बार ही बीजेपी यहाँ पर जीत पाई है 2 बार तो टीकाराम जूली यहाँ पर जीत करके आए। बिल्कुल सर हमारे यहाँ भारत में सर राजनीति जातिगत समीकरणों के ऊपर तय की जाती है इस चीज को हम गौण नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में भारत में जातियां जिंदा हैं और जातियों के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। पिछले बार हमारे यहाँ जब जातियां ये तो रिजर्व सीट है वैसे ये रिजर्व सीट है लेकिन रिजर्व सीट में भी सर जाटव और मेघवाल का रहता है। दूसरा जो जाटव वोट यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से और यहाँ पे मोमडन वोट ज्यादा होने की वजह से जो हमारा समीकरण है भाजपा का उसमें सेंधमारी हो जाती है। जातिवाद का सवाल खड़ा हो गया जातिवाद कौन करता है जातिवाद कोई नहीं करता है जाति हमारे करती नहीं है जातिवाद के आधार पर टिकट नहीं 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 जूली जी हैं सबको समान समझते हैं जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं मुसलमान उनके पास रहते हैं हिंदू भाई उनके पास रहते हैं SC उनके पास रहता है कोई भी कास्ट हो अदर कास्ट सब एक तरह से भाईचारा रख करते हैं वो और बीजेपी का एक ही काम है सिर्फ कि हिंदू मुसलमान को बांटना लड़ाना और अपनी राजनीति चमकाना। हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल सबको मालूम है बीजेपी तैयार रहे हमेशा बीजेपी का कार्यकर्ता तो यही देखता रहे कहीं पे मुसलमान को कोई मुद्दों मिले और जातियों को लड़ाने वाले ही थे जातियों को लड़ाते हैं बीच में बिल्कुल आरोप आपका भी है। नहीं मैं बता रहा हूँ ना सुनो हमारे यहाँ साहब विकास जितना होना चाहिए वो हुआ है ऐसी बात नहीं MLA कोटे से भी हुआ है मंत्री कोटे से हुआ है पर लेट हुआ है यो थोड़ी जनता की बहमी घुड़ रहा है इसलिए विकास ये कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म और जाति की लड़ाई जो है वो चल रही है। आप इस बात में यकीन मानते हैं कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है जिस तरह के आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि भाइयों को लड़ाने का काम कर रही है बीजेपी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है जो तो सबका साथ सबका विकास सारी जातियों को एक साथ सोचते हैं सबके लिए लेकिन कांग्रेस के अंदर एक इतनी बड़ी कुरीतिया है कि जो भी कोई भी विकास कार्य होता है उसमें हिंदू मुस्लिम का कांग्रेस के अंदर है। बीजेपी ने आज तक जो राज करे है सारे मुस्लिम और हिंदू को एक मानती है सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई वो नहीं है। ये तुष्टीकरण के आरोप आप किस आधार पे लगा रहे हैं तुष्टीकरण का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि मंत्री जी यहाँ से मंत्री बने पहली बार MLA थे मंत्री बनते ही उन्होंने यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर भूमाफिया पनपाए और भूमाफिया इस प्रकार से पनपाए कि पासी के गांव 2 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति को यहाँ पर जलाकर मार दिया जाता है गुर्जर समाज के को और प्रशासन मंत्री जी और प्रशासन को दबाकर उसको बिल्कुल समाप्त कर देते हैं और उन्हीं के भाई यहाँ पर हफ्ते वसूली करते हैं और मंत्री जी ने यहाँ इस क्षेत्र को पूरा मेवात से भी ज्यादा जो नूह में प्रोग्राम अभी झगड़ा हुआ था उस हद तक पहुँचा दिया गया है और आप रोडों की स्थिति देख रहे हैं रोज बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पे गिरते हैं एक्सीडेंट सड़कें तो बन रही है ना बता रहे हैं नहीं नहीं बन रही मैं बता देता हूँ मेरा ग्राम पंचायत साल चल रहा है ग्राम पंचायत साल पूरा है मैं बता देता हूँ आपको आज तक इन 5 सालों के अंदर अगर 1 भी रुपए का रोड बना हो क्योंकि हमारे वहाँ से मंडी विकास बोर्ड का पैसा आता है। मालाखेड़ा से मैं आ रहा था काफी खड्डे थे रोड पे लेकिन रोड का काम भी चल रहा ओनली JCB चलाकर वहाँ रास्तों को साफ किया जा रहा है वोटरों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि अभी रोड के काम चल रहे हैं। ये बात मैं जवाब लूंगा मतदाताओं से जवाब लूंगा मैं एक छोर से जो ये कहा जा रहा है कि मंत्री जी ने यहाँ पर आपके बहुत दबंगई करी है और कहा है कि कई जो माफिया है उस तरह के पनप गए हैं और ये भी कह रहे हैं कि तुष्टिकरण की नीति अपनाते हैं मतलब एक धर्म को एक जाति को पनपाते ऐसा है इनके तो कोई के कोई बात ना बच रही ये बात तो गाँव में जाकर बेरबानी से पूछो जो घर पानी जो बिचारी बीजेपी का 5 साल में टैंकर से पानी लावी आज उनके घर पानी आ रहा
पानी पानी हो गया, घर पानी आ रहा, घर पानी आ रहा, वहाँ जाके गाँव में पूछो आप। ईआरसीपी के मुद्दे पे मैं एक बार आपसे बात करना चाहता हूँ। ईआरसीपी का एक बड़ा मुद्दा रहा, कांग्रेस तो इस पर रथ यात्राएं भी निकाल रही, क्या वजह रह गई? आपने तो बड़े वादे किए थे कि हम ईआरसीपी को ला रहे हैं, कहाँ रह गई ईआरसीपी? ईआरसीपी केंद्र सरकार ने रोक दी हमारी, और केंद्र सरकार ने उसको ये सोचा कि राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। हमने खूब उनसे मांग करी, बाकायदा हमने न्यूज भी दिखाई उनकी, उन्होंने भाषण दिए थे, जो भी दिखाए थे, एक स्क्रीन लगा के जयपुर में मुख्यमंत्री जी ने वहां दिखाया था कि प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है ईआरपीसी लागू करें, और उन्होंने फिर नहीं करी, फिर भी आप गहलोत जी ने लागू करी है, और दोबारा उसमें 11,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करें और 13,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करें और उसको काम चालू करवाए। काम कहाँ चालू हुआ जी, हुआ क्या काम? काम हुआ है कहाँ पर? मैं ग्राम पंचायत हाजीपुर से हूँ। हमारे 75 साल की मांगी बिजली जीएसएस की, जो आज पानी पे बात कर रहा हूँ मैं, आप बिजली पे क्यों जंप कर रहे हैं? सब बिजली और पानी पे भी बात है, बिजली आए आप तो पानी की बात बताइए कि पानी पानी के मसले पर आप लोग जूझ रहे हैं ना, अभी आपके घर पे आ रहा होगा पानी, बाकी कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि पानी नहीं आता। नहीं, हमारे पानी आ रहा है, पानी है, हम बिजली पे बात, विकास की बात कर रहे हैं, विकास हुआ है हमारे ग्राम पंचायत, हमारे सारा टोटल 75 साल की मांग पूरी करी है। कौन विकास पुरुष है? टीकाराम जूली जैसा अभी 70 साल। ये विकास पुरुष के बारे में जान लेते हैं कि कितना विकास हुआ है, दूसरी छोर से जवाब भी ले लेते हैं। अच्छा, आपसे मैं पूछूं, ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि विकास हुआ है यहाँ पर? देखो, विकास का तो खूब कर दिया भाई, बीज लगा दिया वहाँ, 8 करोड़ को मंजूर कर दिया, कर दिया वो ना हो रहा काम 2 साल में। ये आक्रोश क्यों है लोगों में? ये जो आक्रोश ये है कि युवाओं को पेपर लीक हुआ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, और डोटानास ने अपने पूरे परिवार को आरएस बना दिया, और सबसे बड़ा आज एक गांव के अंदर 200 आदमी लगे ऐसा ही, वो भ्रष्टाचार का आतंक नहीं तो क्या है? पेपर लीक कारण है। आप कहाँ से आए भाई साहब? मैं तो केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहाँ से आए हो? मालाखेड़ा के पास, खेड़ली पिछानो। मालाखेड़ा से आए हो? क्या देखते हुए आए हो मालाखेड़ा से? जब आप आ रहे थे यहाँ पर तो क्या देखा रास्ता? ये जो अभी बोल रहे हैं कि भाई सड़क का काम चल रहा है, ये आचार संहिता से 5 दिन पहले जगह जगह गड्ढे खोद दिए और उद्घाटन कर दिया गया। उससे पहले काम शुरू हो गया, स्वीकार कर रहे हैं कि पहले लेट काम हुआ है, वो सिर्फ चुनावी स्टंट दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। ऐसी जेसीबी अलवर ग्रामीण में 50 से ज्यादा चल रही है, जो कि आचार संहिता लगने से पहले 5 दिन पहले चलाई गई है। उनसे कोई रोड नहीं बनने वाला। मंत्री जी से पूछा जाए कि बजट कितना है, उन्होंने 300 करोड़ रुपए का यहाँ बजट सैंक्शन कर दिया, कागज चिपका दिए, बजट होगा ये उनको लेके घूम रहे। 300 करोड़ रुपए होता है मुख्यमंत्री का बजट नहीं है इतना जितना ये कह रहे हैं मंत्री जी यहाँ लगा रहे हैं। मैं आपकी भी बात मानता हूँ, आपके तेवर का भी सम्मान करता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत मुस्कुरा रहे हो आप। अच्छा, किस कारण से मुस्कुरा रहे हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। मैं ये कह रहा था जो जय सिंह जी भाई साहब बोल रहे थे, जय किशन जी, कि भाई ये बीजेपी सांप्रदायिक बातें करती है, जबकि इनसे ये पूछा जाए, अभी कन्हैयालाल दर्जी जो मारा था पिछले 2022 में, उसको तो गहलोत सरकार ने क्या दिए? 5 लाख रुपए। अभी जयपुर में मुसलमान मारा है उसको 50 लाख रुपए दिए हैं, डेयरी का बूथ दिया है, एक सरकारी नौकरी दी है, क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? क्या ये सांप्रदायिक नहीं है? जातिवाद की नहीं है ये, भ्रष्टाचार, ये तुष्टीकरण के आरोप बार बार जो बीजेपी जो लगा रही है। चचा, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइए, क्या कुछ खास मोहब्बत रखती है कांग्रेस जो तुष्टीकरण के जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी द्वारा? हमारे जो मोमडन है उनको काम तो कांग्रेस में वोट देना करो, इतनो कांग्रेस ने काम करो है, अशोक गहलोत की बरोबर कोई दे ही ना सके कोई। अच्छा, एक बात बताओ, अच्छी बात कही आपने कि जो मुस्लिम है वो कांग्रेस को वोट दे रहा है, यहाँ का जो भी है किसी को भी दे, आपकी मर्जी है वो, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो ये आरोप लगाते बार बार तुष्टीकरण उसको कहते हैं कि मतलब कोई एक धर्म एक जाति को खास तौर पर तरजीह दी जा रही हो, एक जो स्पेशल जो है ना वो उनके लिए किया जा रहा हो, ऐसा आपको लगता है कि सरकार ने मुस्लिम्स के लिए यहाँ पर काम किया है और बाकी के लिए नहीं किया? ना, ऐसी बात गलत है, सब झूठ है। अच्छा, बिल्कुल सबको एक है, सब एक मानती है सरकार, एक मानती है सब। सर कह रहे हैं कि अलग अलग पैमाने हो जाते हैं, अलग अलग मानदंड हो जाते हैं, जब कोई जो है ना अलग जाति का अलग धर्म का कोई व्यक्ति मर जाता है, दूसरे धर्म जाति का मरता है, तो उसके लिए अलग पैमाना हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, परंतु इनके तो इनके जहन में है, टिकट वितरण में भी पिछली बार 200 में से एक मुसलमान को वोट में वो टिकट दिया था इन्होंने, तो तुष्टीकरण की राजनीति तो इनकी है। युवाओं को डेली देखो, ये बात तो माननी पड़ेगी, टिकट तो एक भी नहीं देते हैं, क्या एक टिकट देते हैं? क्यों नहीं भूलना चाह रहे इस मामले? एक बात, टिकट मिल रहे हैं सर जी? पिछली बार कितने? इमरान खान को मिलेगा? पिछली बार कितने मिला भाजपा को? एक मिला था, मगर इस बार टिकट मिलेगी। फिर इनके आरोप, वेट करो ना, अभी टिकट अभी 41वीं क्लियर है बीजेपी में, इससे पहले तो देखो, अभी कांग्रेस का जयपुर में धरना प्रदर्शन हो रहा है,
उसको दानिल को अब्बास को नहीं देना। आपका तो टिकट यहाँ पर आ गया जी। हाँ, हमारा तो फिर क्या क्या स्थिति आ गई? नहीं, हमारा जीतेगा टिकट। कैसे? कांग्रेस का जो पांच साल का भय भ्रष्टाचार और अपराधियों की सत्ता विरोधी लहर है क्या? बिल्कुल सत्ता विरोधी लहर है। कैसे है? कोई कांग्रेस तो कह रही कि सत्ता विरोधी लहर है नहीं, सब मंत्री जी के विरोधी हैं। शिलान्यास की प्लेटें अब लग रही है, इससे पहले शिलान्यास की प्लेटें नहीं लगी, जब आचार संहिता होने वाली तब धड़ाधड़ से लगने लगी। बीच में देखो गवर्नमेंट का प्रोसीजर था, बीच में कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से हमें टाइम लगा और कोरोना बीच में कई साल खा गया, उसके बाद पूरा बजट इशू हुआ, सारे काम हुए और अब देखो लास्ट में चुनाव आया, उसके पहले सारे काम जितने भी काम सैंक्शन होने थे हमारे जीएसएस के कम से कम आज 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में जीएसएस बनके तैयार हो गया, दीपावली पे चाबी दे देंगे उसकी। जैसे कि मालाखेड़ा से एमआईए को 100 करोड़ का रोड बनके कंप्लीट है, इनको नहीं पता, चश्मा लगा के जाके देख लें। और तुम 50-50 जेसीबियां चली तो विकास ही, तो विकास को पूरी तो जेसीबियां चली नहीं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान में जेसीबी चली, अब जब चुनाव आया तब जेसीबी चली, सरों से ही चल रही है। खनन की जेसीबी तो नहीं चल रही है हमारे हाजीपुर। युवाओं का इतना, युवाओं का ऐसा हाल कर दिया, अग्निवीर पथ योजना चला दी, अग्निवीर में अभी पंजाब में 2 लड़के शहीद हुए थे, जिनमें शहीद उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और उनको वैसे ही। राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज जो है वो यहाँ पर चलने लगी है, बहुत सारे ऐसे इश्यू जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं वो भी इस विधानसभा में बहुत अहम हो गए हैं। अग्निवीर जो है योजना वो भी इसमें शामिल हो गई है। तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ईआरसीपी में बीजेपी ने जो है वो कोताही बरती, इस वजह से ये 13 जिलों को पानी नहीं मिल पा रहा है। सर हमारे यहाँ पे ईआरसीपी का कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ चंबल से जो हमारे यहाँ चंबल का जो पानी थे उसको लाकर जयसमंद में डालने के लिए बात की गई है और उसके लिए इन्होंने जो बात है उसके लिए बात है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। अब आम मतदाताओं से ये पूछते हैं कि क्षेत्र में कितना काम हुआ है? यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ है, यहाँ जो भी काम के लिए कहा गया है वो कोई काम नहीं कराया गया, नहीं कार्य किया है। 5 साल हम तक गाड़ी तोड़ दी हमने, माला खड़ा हमारा रेगुलर, इनसे पूछो कब काम चला इसका। हमारा जो 5 साल है इसमें आज तक भी जो काम हुआ हो एक भी काम बता दीजिए मुझे। एक हमारे जाते हुए एक हमारे धर्मपुरा गांव जो अकबरपुर पंचायत खेड़ का में एक भी काम गिना दीजिए, वो कौन सा काम है? भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप है। मैं एक बार हमारे कुछ साथियों से इधर जो कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनसे भी मैं पूछ लेना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं सच्चाई है इस बात में, कुछ मानते हैं आप? देखो मैं सिर्फ अपनी बात बेबाक तरीके से रखना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा 30/8/2016 को कौन था मतलब एमएलए, उस दिन का आदेश हो तो मानना नहीं मत मानना, जो आज कोई पे भी आरोप लगा रहे हैं, जो चांद पहाड़ी का कांड की बात हो रही है। 30/8/2016 का आदेश, मैं नाम बता दूं तहसीलदार का भी, सुरेंद्र सिंह जी तहसीलदार था, नहीं वो मैं सबूत आपको दिखा सकता हूं। योजनाओं पर बात हो गई है, आज की बात अगर करते हैं, हम किसान हैं और अब हमें 2 साल लगातार फ्री बिजली मिल रही है, हाल फिलहाल कोई किसी का बिल नहीं आ रहा, मजे हो गए, मजे हो रहे हैं। दो साल से कोई बिजली नहीं मिली, 3 महीने पहले मिली है और वो बिजली का बिल फ्री है, 3 महीने पहले का बिजली। देखो देखो एक मिनट इनसे बात, कहां से आएंगे जब लाइट नहीं आई, बिजली आई? और ये कह रहे हैं ना मुसलमान समाज मंत्री के साथ है, मुसलमान समाज 100% मंत्री के विरोध में है। इस मंत्री के भाई ने मुसलमानों की 1000 साल पुरानी कब्रिस्तानी किस्म चेंज करवा के उसको खुदरुद करने का और बेचने का बहुत घिनौना काम करा है। पूरी अलवर ग्रामीण के अंदर भूमाफिया, कहीं देव भूमि को कहीं आपके नाम पर भारतीय प्लॉटिंग काटी जा रही है। हमारे यहाँ बिजली जो वसुंधरा के राज में अलग से घरों की सप्लाई के लिए अलग से लाइनें डाली गई, मानना तो पड़ेगा कि बिजली फ्री मिली है। नहीं बिजली फ्री मिली, बिजली आई नहीं रही, बिजली है नहीं फ्री, 2000 यूनिट फ्री करना, हमारे भाई कह रहे झूठा आरोप नहीं है, तो 2000 यूनिट क्या करेंगे उसमें? सरकार कांग्रेस की गलती, तो 5 साल पहले कौन था? 5 साल पहले बीजेपी का जयराम जाटव था, उस समय में जयसमंद बांध पूरा लबालब भरा हुआ था। यहाँ जो लोकल लोग हैं इन पे टीकाराम जूली जी से बहुत नाराज हैं, बाकी हम लोग कांग्रेसी है, धर्मपुरा वासी हैं, यहाँ के हैं, परंतु हम जूली को वोट नहीं देंगे। वो आपकी मर्जी, किसी को भी वोट दे ना दे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, ये कह रहे हैं कि इस बार तो काम कुछ हुआ नहीं, तो फिर काम हुआ कहाँ? काम कहीं पर नहीं हुआ है, इस बार अलवर ग्रामीण कमल का फूल खिलेगा। अब मैं किससे पूछूं, कैसे जानूं कि वाकई में क्या काम हुआ? आप मतदाता मुझे लग रहे हैं,
आप मुझे तटस्थ रूप से बताएंगे कि क्या वाकई में यहाँ पर काम हुआ है या फिर काम होना बाकी है? नहीं नहीं काम हुआ है सर, देवनारायण मंदिर के लिए 8 करोड़ का रोड, पीछे जो मंदिर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मालाखेड़ी रोड देखिए, मालाखेड़ी रोड देखिए, अकबरपुर में देखिए, काम हर जगह काम हुआ है। कौन सा ऐसा काम जो आपको लगता है कि आम जनता को राहत मिली है, ऐसा काम गिना हुआ? सबसे पहले 25 लाख का चिरंजीवी बीमा चला है, इससे बहुत फायदा मिला गरीब आदमी को। मैं कॉलेज पढ़ता हूँ, मुझको बेरोजगारी भत्ता का युवा संबल योजना का मैं फायदा ले रहा हूँ प्रेजेंट में, और गहलोत सरकार ने इतनी अच्छी योजना चला रखी है जिनकी हम कह नहीं सकते। ये गलत बात, ये गलत बात। आप अगर अगर कोई लाभार्थी है वो कह रहा है कि उसे लाभ मिला, आप उसको बीजेपी वालों को नहीं देंगे? नहीं, हम भी नहीं, हमें क्यों नहीं आ रहा? आपको क्यों नहीं मिल रहा? नहीं आ रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। यार सुनो इनसे, अरे सुनो इनसे, यह पूछो कि अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी आया था अलवर के अंदर, और ये कह के गया था कि हाँ हनुमान जी बाबा है जिसको सारी जनता के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा, और सारा सारा शुल्क है तो जनता के लिए खत्म हो जाएगा। आज इनसे पूछो, एक जनता से पूछो, उल्टे 5 रुपए बढ़ाई तो दिए शुल्क के। ये जो बात हो रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, सही बताओ। टीका राम जूली जी ने अपनी जेब भरी है यहाँ 5 साल में, और दलालों ने अपनी जेब भरी है 5 साल में। कहाँ से आ रहे हो आप, कहाँ से आ रहे हो ये बताओ, केवल कहाँ से आयो, कहाँ जा रहे हो? माधोगढ़। माधोगढ़ माधोगढ़ जा रहे हो? सड़कें ठीक है? सड़कें सही है क्या? सड़कें फूटी पड़ी, सारी फूटी पड़ी है। अलवर की रामायण से तो कोई काम ही नहीं हुआ है, काम ही नहीं करा यहाँ पर सारा रोड।